हेलो यार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फेरी गेमर में। तो कैसे हो सब लोग, ठीक ठाक मजे में? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। तो बहुत मेहनत कर दे आपका फेरी भाई, तो भाई के खातिर ही लाइक कर दें यार, कमेंट कर दे, शेयर भी कर दे। क्या होता है आपको शेयर भी करने में? तो हम खेल रहे हैं रश गेम प्ले, आपकी सोच से भी बाहर। तो यहाँ पे आ गया, हम फाइट चल रही थी, इनकी सॉन्ग हमें सुनाई दिया, तो हमने भी सोच लिया कि हम भी वहाँ जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आप सिर्फ खेल के हमें क्या महसूस करवाना चाहते हैं, कि मैं यही महसूस करवाना चाहता हूँ कि पहले बंदा लूट करे, आराम से लूट करे, कोई अच्छी लोकेशन ढूंढे बंदों को मारने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेफ खेल रहे हो आपका गेम ख़राब नहीं होगा। सेफ खेलना एक अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सेफ मत खेलें कि 0.6 की आपकी केडी बन जाए। तो यहाँ पे हमें बंदों की लोकेशन मिल जाती है, तो हम मेरे टीममेट ने कहा चलो चलिए रश करते हैं, तो हमने बिना सोचे रश करने का ही सोच लिया। तो एक बंदा इसके अंदर ही छुपा था, हमें गुमान भी नहीं था कि इसके अंदर भी एक बंदा हो सकता है। देता है फुल फिनिश। तो यहाँ पे हमें कार्नर 88 की पता नहीं कहाँ कहाँ से पड़ रही थी हमें शॉट्स, क्योंकि भाई हमें प्यार से डर नहीं लगता और कार्नर 88 से डर लगता है, क्योंकि कार्नर 88 भी चल रही थी यहाँ पे पता नहीं कहाँ से। तो एक पेड़ से झांक रहा था, झांकू तो पहले उसको किया नॉक। क्योंकि हमारे पास एक अच्छी लोकेशन नहीं थी, पीछे से भी पड़ रही थी, आगे से पड़ रही थी। अगर आप ऐसे ऐसी जगह पे फंस जाओ तो प्लीज निकल लिया करें वहां से। और लेक में और कुछ मिले ना मिले, आपको स्नैक्स जरूर मिलेंगे। और मेरे सब के सब टीममेट्स हील कर रहे थे अच्छी खासी, और एक नेट की कमी थी, वो भी भगवान ने पूरी नहीं की, वरना नेट भी आ जाता। और इस बहुत ज्यादा को भी अभी आना, भाई मैं हो गया नॉक। तो मैंने सोच लिया कि अपने टीममेट से मांगूं एक किट। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। यहाँ भी मैंने हील बेटर कर लिया, और अभी भी मेरा टीममेट्स बोल रहा था कि ऊपर बंदे हैं, तो पहले हमने सोच लिया कि अपना हेल्थ फुल कर लें भाई। Watch out! और जो हमें ऊपर कॉर्नर 88 से मार रहे थे उनका लोकेशन मेरा टीममेट ने कर दिया था, पे रश ही करेंगे क्योंकि वो दो ही बंदे थे। तो मैं बिना सोचे उस पे रश कर देता हूँ। और मैंने यहाँ फिनिश कर दिया, और यहाँ पे तो लाइक बनता है यार, यहाँ पे तो लाइक बनता है। हाँ, आप सबको पता है कि मैं यूट्यूबर हूँ, और सब्सक्राइब भी मांग मांग के मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और मुझे माँ बाप ने बेल आइकन पे जन्म दिया क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। तो यहाँ पे मेरे टीममेट को पड़ रही थी शॉर्ट, तो यहाँ पे मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो पहले रीलोड वगैरह कर ले, क्योंकि मेरे पास दोनों ही मशीन गन थी, एक डीपी जो मेरी जान है। तो आप ज़्यादातर रश में कौन सा वेपन इस्तेमाल करते हो, प्लीज़ कमेंट में बताएं,
मैं तो ज्यादातर मशीन गन इस्तेमाल करता हूँ और दूसरा बैरल। तो यहाँ पे मेरे दो टीममेट्स हो जाते हैं नॉक, तो पहले उनको करूँगा रिवाइव, क्योंकि अगर आपको अच्छी लोकेशन मिल जाए तो प्लीज़ अपने टीममेट को रिवाइव कर, उन पर रश करने का सोच देते हैं, क्योंकि हम प्रेशर में हो जाते हैं कि यार पहले तो इनको रिवाइव करना ही होता है, पर ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अपने टीममेट को रिवाइव करना करें करा करें और उसके बाद रश कर सकते हैं, क्योंकि आप में एक ताकत बन जाती है कि आप चार हैं या तीन हैं या दो भी हैं। तो यहाँ पे मैं उन पर रश करने की सोच देता हूँ। फाइनली मैं यहाँ पे नॉक हो गया, चिकन भी मिल जाती है। थैंक यू।